तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू होता है कुछ यहाँ से। आज मेरे साथ है इंटरसेप्टर 650, ठीक है। इसका मैं ओनरशिप का रिव्यू आपको बताऊंगा। ये मेरा गाड़ी नहीं है, ये साइंटो भैया का गाड़ी है, ठीक है। तो इसके पहले मेरा चैनल में इंटरसेप्टर का वीडियो आ चुका है, वो स्टॉक वाला एग्जॉस्ट का है। लेकिन ये भाई इस पे AW साइज, यस AW लगा हुआ है गाइस, एकदम खतरनाक, एक नंबर चीज है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा प्रोवेशनल के साइड लेके चलते, और टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि साइंटो भैया का काम है, तो मैं कुछ टाइम निकल के लिया हूँ भैया से। तो अभी आप लोग इसका साउंड सुनो एक बार, बहुत ही बेस है यार, बहुत ज़्यादा बेस है, गंग गंग भाई। मुझको तो भाई फेवरेट गाड़ी है ये मेरा, ये और कॉन्टिनेंटल। अब देख, चलो गाइस अब इसका थोड़ा एंजॉय करते हैं इसको। देख सकते हो तो इसका बेस, गुम गुम गुम, पावर भी वैसा ही है, देख सकते हो आप। उफ क्या गाड़ी है यार, भाई एकदम एक नंबर गाड़ी है, एक नंबर बोले थे, एक नंबर। अलग चीज है ये, देख सकते हो गाइस बहुत ही ज्यादा पावर है यार, बहुत ज्यादा। तो आपको इसका एक ओवरऑल लुक देते हैं, यहाँ पे सामने यहाँ पे रुकते हैं। तो गाइस यहाँ पे रुकते हैं और इसका एक ओवरऑल लुक देते हैं आपको, ठीक है। तो गाइस ये है इंटरसेप्टर 650, ये था 2021 का मॉडल है, ठीक है। वो AW AWM है, एग्जॉस्ट लगा हुआ, ठीक है। तो इसका थोड़ा एग्जॉस्ट नोट सुन लो, बैक फायर भी मारता है गाइस। तो अभी चलो इसको राइड करते हैं और क्या कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है आपके साथ शेयर करते हैं, चलो। अच्छा भाई, बहुत ही सही गाड़ी है, इसका मज़ा ना खाली रास्ते पे लेना पड़ेगा, और खाली रास्ता आज यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। तो जितना भी मिलता है मैं कोशिश करूँगा आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो करने का, ठीक है। वायदा हुए भाई, इस गाड़ी को मतलब इस गाड़ी के बारे में जो बोले उतना कम है, ठीक है, जो बोले उतना ही कम है, ठीक है। साउंड तो आप लोग सुने ही हो, गाइस क्या साउंड है भाई, एक नंबर गाड़ी है। फिर पब्लिक रिएक्शन नहीं थे, गाइस चलो अब इसका थोड़ा मजा लेके आते हैं इस तरफ। ओहो क्या गाड़ी है गाइस, क्या गाड़ी है, उफ क्या पावर है,
तो गाइस सच बोले तो भाई बहुत ही ज़्यादा पावर है अभी। चलो गैस, एक शॉर्ट एंड सिंपल सा वीडियो था भाई, ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे वीडियो को आज, सॉरी गाइस। मैं दूसरे दिन भी इसका ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कभी, ठीक है, जितना हो पाए उतना देख लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और भाई बहुत, मतलब क्या बोले, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो ना गाइस, तो आप लोगों के सपोर्ट से 300 सब्सक्राइबर भी मेरा पूरा हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही पैर बरसते रहे, और मैं जैसे कि आपको मैं वादा किया था कि मैं 300 सब्सक्राइबर में आप लोगों के लिए एक रोड ट्रिप का वीडियो लेके आऊँगा। तो गाइस मैं रिवील कर देता हूँ वो वाला, तो मेरा जो रोड ट्रिप है ना वो होने वाला है दिसंबर को पुरुलिया। यस, मैं और आबिर दा है ना, आबिर दा और मैं, और फिर और दो भैया ठीक हुए, भूषण दा भी श्योर नहीं है, शायद से जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का टीम है, ठीक है, हम लोग दिसंबर का फर्स्ट वीक, कैसे फर्स्ट वीक में निकल जा रहे हैं। तो हम लोग का 3 दिन का एक ट्रिप है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप लोगों को बहुत ही मस्त मस्त वीडियो देखने को मिलेगा अभी, ठीक है। और तब तक के लिए गाइस वीडियो को अभी भी देखते रहो, अभी भी बाकी है यार। इतना आई कैचिंग गाड़ी है ना कि क्या बोले भाई, कुछ बोल ही नहीं सकते, जस्ट स्पीचलेस, जस्ट स्पीचलेस, ठीक है। इसका साउंड भी वैसा ही है, तो आप लोग देखते रहिए और भी देखते रहिए।
तो गाइस आज ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए छोटा सा आप लोग को एक स्पिन दिखाया, कोलो कोलो टूटला गया मैं क्या बोले भाई, इतना अच्छा फील हो ना, क्या बोले यार। ये मुझको ना थोड़ा हाले हाले का साउंड आता है कभी कभी, मुझको फील होता है कभी कभी कि हाले की तरह भी है, लेकिन गाइस हाले डिफरेंट, ये डिफरेंट। ये भाई अच्छा भाई, इस मशीन की तरह पावर मैं बोलूँगा किस पे नहीं है, किसी मशीन में नहीं है भाई। इनलाइन फोर, लेकिन इसका जो ट्विन सिलेंडर का जो पावर है ना, ये किसी पे नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ आपको। कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर, ये दोनों में आपको मिलेगा ये देखने को। इंटरसेप्टर चला गया ना, ये गाड़ी कितना छोटा लग रहा है। ओ भाई कितना छोटा लग रहा है यार, कितना छोटा लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है, अरे बाप रे। तो गाइस यार आज के लिए ब्लॉग इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में, ठीक है भाई। इंटरसेप्टर चला के ये कैसा लग रहा है मुझको, इसका पोस्टर, ठीक है, उसका मैं इतना तक चला है भाई, इसका पोस्टर मुझको छोटा क्यों लग रहा है यार, इतना ये मुझको ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है यार, ठीक है। इंटरसेप्टर चला लिया तो अब ये छोटा लगने लग गया, अरे भाई क्या अलग गजब बेइज्जती है यार, ये नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन भाई जो भी बोलो, अब लग रहा है कि इसको मैं खींच सकता हूँ भाई, ये देखो, लेकिन इस पर उतना पावर नहीं है।